चले संग संग गाते बजाते चले, यीशु बुला रहा है, यीशु बुला रहा है, वो बुला रहा है हमें, वो बुला रहा है हमें। संजीवन जल पीने बुला रहा, अमृत पान करने बुला रहा, जीवन जल पीने बुला रहा, अमृत पान करने बुला रहा, यीशु बुला रहा है, यीशु बुला रहा है, यीशु बुला रहा है, यीशु बुला रहा है, वो बुला रहा है हमें, वो बुला रहा है हमें, बुला रहा है हमें, वो बुला रहा है हमें। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का सहचर्य आप सबको प्राप्त हो और आपकी आत्मा के साथ। प्यारे विश्वासी गणों, आज माता कलीसिया बड़े हर्षोल्लास के साथ प्रभु के देह धारण का संदेश का पर्व मनाती है। आइए हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं इस महापर्व के लिए। ईश्वर ने अपने मुक्ति विदान प्रकट करने के लिए और मुक्ति कार्य को पूरा करने के लिए मां मरियम को चुना था, और मां मरियम ने अपना संपूर्ण जीवन ईश्वर के मुक्ति कार्य के लिए अपना जीवन को समर्पण कर दिया। प्रभु ईश्वर हम सबों को बपतिस्मा द्वारा बुलाते हैं, हमें चुनते हैं और हमें भेजते हैं। हम सब ईश्वर द्वारा बुलाए गए हैं और चुने हुए हैं और भेजे गए हैं। तो आइए प्रभु के वचन को अपने जीवन में कार्य करने के लिए और प्रभु को हमारा जीवन में कार्य करने के लिए हम अपना जीवन को समर्पित करें। इस कृपा के लिए इसमें बलिदान में हम प्रार्थना करें। प्रायश्चित हृदय से हम सब मिलकर बोलें, हे भाइयों बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूं कि मैंने मन वचन कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा ना करने से अपने कसूर से अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुमारी धर्य मरियम से सब स्वर्गदूतों संतों और आप लोगों से हे भाइयों बहनों विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर अनंत जीवन प्रदान करे। दया करो है परमेश्वर। हम पाप
क्षमा करो हे ईश्वर, क्षमा करो हे क्रिस्त ईश्वर, क्षमा करो हे ईश्वर। हम पापी नादान आए हैं द्वार तेरे, कृपा करो हो जाते। वहां स्वर्ग में प्रभु की महिमा छाए, भू पर यहां शांति प्रभु का जन पाए। यीशु क्रिस्त है विश्व पाप हर, ईश पुत्र सुन विनय दया कर, शोभित जो दाहिनी हे प्रभु के मेमने कृपा कर, मेमने कृपा कर। वहां स्वर्ग में प्रभु की महिमा छाए, भू पर यहां शांति प्रभु का जन पाए। तू ही पावन तू ही अमृत, परम पिता की महिमा में स्थित, यीशु क्रिस्त पावन आत्मा से, तू सर्वोच्च तुझे यह अर्पित, तुझे यह अर्पित। वहां स्वर्ग में प्रभु की महिमा छाए, भू पर यहां शांति प्रभु का जन पाए। वहां स्वर्ग में प्रभु की महिमा छाए, भू पर यहां शांति प्रभु का जन पाए। हम प्रार्थना करें, हे ईश्वर तेरी इच्छा थी कि तेरा शाश्वत शब्द कुवारी मरियम के गर्भ में मानव देह धारण करे। हम विश्वास करते हैं कि हमारे मुक्तिदाता यथार्थ ईश्वर और यथार्थ मनुष्य है। तेरी कृपा से हम उनके ईश्वरत्व के सहभागी बन जाए। यह प्रार्थना स्वीकार कर हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुग जीते और राज करते हैं। आपको आशीष दें योग्य रीति से हम प्रभु के वचन को सुना सके पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। पहला पाठ नबी इसाईस का ग्रंथ अध्याय 7
वचन संख्या 10 से 14। पाठ का मूल वाक्य है, कुंवारी गर्भवती है। प्रभु ने आकाश से कहा, चाहे अधोलोक की गहराई से, चाहे आकाश की ऊंचाई से, अपने प्रभु ईश्वर से अपने लिए एक चिन्ह मांगो। आकाश ने उत्तर दिया, जी नहीं, मैं प्रभु की परीक्षा नहीं लूंगा। इस पर उसने कहा, हे दाऊद के वंश, मेरी बात सुनो। क्या मनुष्यों को तंग करना तुम्हारे लिए पर्याप्त नहीं है, जो तुम ईश्वर के धैर्य की परीक्षा भी लेना चाहते हो? प्रभु स्वयं तुम्हें एक चिन्ह देगा, और वह यह है, एक कुंवारी गर्भवती है, वह पुत्र प्रसव करेगी और वह उसका नाम इमानुएल रखेगी, जिसका अर्थ है प्रभु हमारे साथ है। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। दूसरा पाठ, इब्रानियों के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 10, पद संख्या 4 से 10 तक। हे ईश्वर, मैं तेरी इच्छा पूरी करने आया हूँ, जैसा कि धर्म ग्रंथ में मेरे विषय में लिखा है। सांडों तथा बकरों का रक्त पाप नहीं हर सकता, इसलिए मसीह ने संसार में आकर यह कहा, तूने न तो यज्ञ चाहा और न चढ़ावा, किंतु तूने मेरे लिए एक शरीर तैयार किया है। तू न तो होम से प्रसन्न हुआ और न प्रायश्चित के बलिदान से, इसलिए मैंने कहा, हे ईश्वर, मैं तेरी इच्छा पूरी करने आया हूँ, जैसा कि धर्म ग्रंथ में मेरे विषय में लिखा हुआ है। मसीह ने पहले कहा, तूने यज्ञ, चढ़ावा, होम अथवा प्रायश्चित का बलिदान नहीं चाहा, तो उनसे प्रसन्न नहीं हुआ, यद्यपि ये सब संहिता के अनुसार ही चढ़ाए जाते हैं। तब उन्होंने कहा, देख, मैं तेरी इच्छा पूरी करने आया हूँ। इस प्रकार वह पहली व्यवस्था को रद्द करते और दूसरी का प्रवर्तन करते हैं। यीशु मसीह के शरीर के एक ही बार बलि चढ़ाए जाने के कारण हम ईश्वर की इच्छा के अनुसार पवित्र किए गए हैं।
प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। जय घोष। आलिलुया आलिलुया। शब्द ने शरीर धारण कर हमारे बीच निवास किया, हमने उसकी महिमा देखी। आलिलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत लूकास के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। देखिए आप गर्भवती होंगी और पुत्र प्रसव करेगी। स्वर्गदूत गब्रियल ईश्वर की ओर से गलीलिया के नाजरेत नामक नगर में एक कुंवारी के पास भेजा गया, जिसकी मंगनी दाऊद के घराने के यूसुफ नामक एक पुरुष से हुई थी, और उस कुंवारी का नाम था मरियम। स्वर्गदूत ने उसके यहां अंदर आकर उससे कहा, प्रणाम प्रभु की कृपा पात्री, प्रभु आपके साथ हैं। वह इन शब्दों से घबरा गई और मन में सोचने लगी कि इस प्रणाम का क्या अभिप्राय है। तब स्वर्गदूत ने उससे कहा, मरियम डरिए नहीं, आपको ईश्वर की कृपा प्राप्त है। देखिए आप गर्भवती होंगी, पुत्र प्रसव करेंगी और उनका नाम येसु रखेगी। वह महान होंगे और सर्वोच्च प्रभु के पुत्र कहलाएंगे। प्रभु ईश्वर उन्हें उनके पिता दाऊद का सिंहासन प्रदान करेगा। वह याकूब के घराने पर सदा सर्वदा राज्य करेंगे और उनके राज्य का अंत नहीं होगा। पर मरियम ने स्वर्गदूत से कहा, यह कैसे हो सकता है, मेरा तो पुरुष से संसर्ग नहीं है। स्वर्गदूत ने उत्तर दिया, पवित्र आत्मा आप पर उतरेगा और सर्वोच्च प्रभु की शक्ति की छाया आप पर पड़ेगी, इसलिए जो आप से उत्पन्न होंगे वह पवित्र होंगे और ईश्वर के पुत्र कहलाएंगे। देखिए बुढ़ापे में आपकी कुटुंबिनी एलिजाबेथ की भी बेटा होने वाला है। अब उसका जो बांझ कहलाती थी छठा महीना हो रहा है, क्योंकि ईश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। मरियम ने कहा, देखिए मैं प्रभु की दासी हूं, आपका कथन मुझ में पूरा हो जाए। और स्वर्गदूत उसके पास से चला गया। यह प्रभु का सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। प्यारे भाइयों और बहनों, आज माता कलीसिया बहुत हर्षोल्लास के साथ प्रभु के शरीर धारण का पर्व मनाती है। हर एक परिवार के आदर्श एवं कई रीति रिवाज होते हैं, उन्हें उन रीति रिवाजों को आगे बढ़ाने के लिए कोशिश करते हैं। माँ मरियम भी आज हमें माता होने के नाते प्रभु की इच्छा पूर्ण करने के लिए कैसे अपने आप को समर्पित करना है वह हमें स्वयं सिखाती है, और इस स्वभाव को अपने जीवन में अपनाने के लिए प्रेरित करती है। आज हम सभी प्रभु के शरीर धारण या प्रभु के आगमन का पर्व या संदेश देने वाला दूत संदेश का पर्व मनाते हैं। सुसमाचार में हम देखते हैं कि प्रभु, सुसमाचार में हमने सुना
कि प्रभु मरियम के गर्भ में से जन्म लेगा, इसी के स्मरण में आज का त्यौहार हम मनाते हैं। ये हमें याद दिलाता है कि ईश्वर ने जो भविष्यवाणी की थी उसे पूर्ण किया है और ईश्वर विश्वास पात्र हैं। प्रथम पाठ में मसीह के बारे में भविष्यवाणी हमने सुना। जब दुश्मन सेना इज़राइलियों पर आक्रमण करने का ताक में था तो राजा आहाज काफ़ी घबरा जाते हैं या डर जाते हैं और अपने अन्य राजाओं से मदद मांगते हैं, लेकिन इज़ाइस नबी ईश्वर पर भरोसा रखते हैं ना कि मनुष्य पर। प्रभु नबी के द्वारा कहते हैं कि इज़राइल का नाश नहीं होगा बल्कि मसीह आएगा और जो लोगों की रक्षा करेगा, जिसका नाम इम्मैनुअल रहेगा, जिसका अर्थ है ईश्वर हमारे साथ है। यही भविष्यवाणी मसीह के बारे में पहले पाठ में हम सुनते हैं। दूसरे पाठ में संत पौलुस कहते हैं पुराने बलि एवं नए बलि के बीच में अंतर वो समझाते हैं। पुरानी बलि पापों के लिए बार बार चढ़ाना पड़ता था, लेकिन नई बलि में प्रभु ने अपने आप को पूर्ण रूप से ईश्वर को समर्पित किया और बलिदान दे दिया। यह संपूर्ण बलि है, बार बार चढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। सुसमाचार में संत लूकस दूत संदेश का सुंदर चित्रण हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं। मरियम को इस संदेश से कानों पर ग्रहण करने के बाद विश्वास नहीं हुआ क्योंकि वह कुंवारी थी। यहूदी धर्म के अनुसार शादी के पहले गर्भवती होना दंडनीय अपराध था, फिर भी माँ मरियम ने ईश्वर पर विश्वास किया, उनके माध्यम से यह संदेश स्वीकार किया। अपने जीवन में ईश्वर की इच्छा पूरी करने के लिए अपना संपूर्ण जीवन समर्पित किया। यह विश्वास उनके शब्दों द्वारा साफ पता चलता है। माँ मरियम विश्वास के साथ कहती है देखिए मैं प्रभु की दासी हूँ, आपका कथन मुझ में पूरा हो। संत पापा फ्रांसिस विश्वासियों से कहते हैं अपने हृदय खोलकर ईश्वर को हाँ कहना है। हम सब ईश्वर के द्वारा बुलाए गए हैं। हम अपने हृदय के द्वार खोलकर मरियम की तरह ईश्वर को कार्य करने के लिए सहयोग देना है। सवाल यह उठता है यह विश्वास क्या है? भरोसा करना अंधकार में कूदने का बराबर है। इब्रानियों के पत्र में इसका उदाहरण हम देखते हैं। इब्राहिम ने अपना देश को छोड़ा, विश्वास का पिता बन गया। मूसा ने लोगों को छुड़ाने के लिए अपने आप को तैयार किया और ईश्वर के वचनानुसार और ईश्वर के मार्गदर्शन के अनुसार वो अपने जीवन को समर्पित किया। ईसाइया, एरेमिया एवं अन्य नबी भी ईश्वर के संदेश को प्रकट करने के लिए तैयार हुए। ठीक उसी प्रकार मरियम ने भी आगे आने वाले कष्ट को जानते हुए भी वो अपने आप को तैयार करती है और वो विश्वास करती है कि प्रभु उनके साथ रहेंगे और आने वाले संकटों से या मुसीबतों से उन्हें बचाएंगे। यही उनका विश्वास था और हमें भी विश्वास करने के लिए हमें वो सिखाती है। मरियम का इस जवाब मुक्ति इतिहास का प्रारंभ है, इसलिए वो हमारी आदर्श व्यक्ति बन जाती है और ईश्वर के साथ संयुक्त रहने के लिए हमें प्रेरणा देती है।
अपने आप से यह सवाल करें, मेरा विश्वास ईश्वर पर कितना है? ईश्वर की योजना को अपने जीवन में जीने के लिए क्या मैं सहयोग देता हूँ या देती हूँ? आज के दिन मरियम ने कहा, देखो मैं प्रभु की दासी हूँ, और प्रभु यीशु कहते हैं कि तेरी इच्छा पूर्ण करने के लिए आया हूँ, आई हैव कम टू डू योर विल। यह दिन ईश्वर को धन्यवाद देने का सुंदर दिन और अपने जीवन में प्रभु को कार्य करने के लिए या प्रभु के वचन को वचन पर मनन चिंतन करने के लिए और प्रभु की इच्छा को अपने जीवन में लागू करने के लिए सुअवसर हमें प्रदान करता है। तो हम यह कृपा मांगे कि मरियम प्रभु की माँ, जैसे माँ मरियम ने ईश्वर की इच्छा पूरी किया, वही माँ मरियम हम सबों को अपना वैयक्तिक जीवन में, अपने इस सांसारिक जीवन में आगे बढ़ाने के लिए वो हमें मध्यस्थ करें, हमारे लिए निरंतर प्रार्थना करती रहें और हम भी अपना जीवन में प्रभु की इच्छा को पूरा करें। आमेन। आइए हम विश्वास की घोषणा करें। मैं सर्वशक्तिमान पिता, स्वर्ग और पृथ्वी, सब दृश्य और अदृश्य वस्तुओं के सृष्टिकर्ता, एक ही ईश्वर में विश्वास करता हूँ। मैं ईश्वर के इकलौते पुत्र एक ही प्रभु यीशु क्रिस्त में विश्वास करता हूँ, जो सभी युगों के पहले पिता से उत्पन्न है। वह ईश्वर से उत्पन्न ईश्वर, प्रकाश से उत्पन्न प्रकाश, सच्चे ईश्वर से उत्पन्न सच्चा ईश्वर है। वह बनाया हुआ नहीं बल्कि उत्पन्न हुआ है। वह पिता के साथ एक तत्व है, उसी के द्वारा सब कुछ सृष्ट हुआ। वह मनुष्यों के लिए और हमारी मुक्ति के लिए स्वर्ग से उतरा और पवित्र आत्मा के द्वारा कुमारी मरियम से देह धारण कर मनुष्य बना। उसने पोंतियुस पिलातुस के समय दुख भोगा, वह हमारे लिए क्रूस पर ठोका गया, वह मर गया और दफनाया गया और धर्म ग्रंथ के अनुसार तीसरे दिन फिर से जी उठा। वह स्वर्ग में आरोहित हुआ और पिता के दाहिने विराजमान है। वह जीवितों और मृतकों का न्याय करने महिमा के साथ फिर आएगा और उसके राज्य का कभी अंत नहीं होगा। मैं पवित्र आत्मा में विश्वास करता हूँ। वह प्रभु और जीवन दाता है। वह पिता और पुत्र से प्रसन्न होता है। पिता और पुत्र के साथ उसकी आराधना और महिमा होती है। वह नबियों के मुख से बोला है, मैं एक पवित्र कैथोलिक तथा प्रेरित कलीसिया में विश्वास करता हूँ। मैं पापों की क्षमा के लिए एक ही बपतिस्मा स्वीकार करता हूँ और मृतकों के पुनरुत्थान तथा अनंत जीवन की बाट जोहता हूँ। आमीन।
भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान स्वीकार करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान स्वीकार करें। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, दया पूर्वक अपनी कलीसिया की भेंट स्वीकार कर। हम विश्वास करते हैं कि तेरे इकलौते पुत्र के देह धारण के समय हमारी मुक्ति का शुभारंभ हो गया। ऐसी कृपा कर कि हम इस रहस्य का समारोह सर्ष मना सकें उन्हीं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाए, हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दे, यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दे। इन्हीं के विषय में स्वर्गदूत ने धन्य कुवारी को संदेश दिया कि ये पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से मानव जाति के मुक्ति के लिए मनुष्यों के भी जन्म लेंगे। मरियम ने संदेश पर विश्वास किया और बड़े प्रेम से अपने निष्कलंक गर्भ में क्रिस्त को धारण किया ताकि इज़राइल से की गई प्रतिज्ञाएं पूरी हो जाएं और सब राष्ट्रों को उनकी आशा से अधिक मुक्ति मिल सके। इन्हीं के द्वारा स्वर्गदूतों की सेना तेरे प्रताप की आराधना करती और तेरे सम्मुख सदा सर्वदाश मनाती है। उन्हीं के स्वर में स्वर मिलाकर हम भी तेरा स्तुति गान करते हैं। पावन 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 ईश्वर, भूअंबर के स्वामी, भूअंबर के स्वामी, ऊंच गगन में तेरी महिमा, ऊंच गगन में पूरित होवे धरती पर प्रभु, पूरित होवे धरती पर प्रभु। परमेश्वर की जय जयकार, पावन 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 ईश्वर, भूअंबर के स्वामी, भूअंबर के स्वामी। जो आते हैं प्रभु सुनाम पर, जो आते हैं प्रभु सुनाम पर, धन्य धन्य हो सब हर्षाति, धन्य धन्य हो सब हर्षाति। प्रभु का जय जय मान करो, पावन 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 ईश्वर, भूअंबर के स्वामी, भूअंबर के स्वामी। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तो इन उपहारों को अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को
देते हुए कहा, तुम सभी से लो और इसमें से खाओ, क्योंकि मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। ऐसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान कर, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु तथा पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे महाधर्माध्यक्ष चाको और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया के सुदीले अतः इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों के भी सुदीले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक से धार चुके हैं, उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर। हम सब पर दया दृष्टि डाल के हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुवारी मरियम, उनके वर धन्य यूसुफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरा स्तुति और महिमा कर सके, तेरे पुत्र येसु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु क्रिस्त के द्वारा इन्हीं के साथ और इन्हीं में हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान हम सब मिलकर पिता ईश्वर से प्रार्थना करें, जैसे प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में,
वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में मैं कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरे दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्राइस्ट फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्राइस्ट, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे कृपापूर्वक शांति तथा एकता प्रदान कर। तो युगानुयुग जीता और राज करता है, आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। परस्पर शांति अभिवादन कीजिए। क्राइस्ट की शांति। ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप भर लेते हैं। धन्य है हम सब इस प्रभु के भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। इसका शरीर तथा रक्त अनंत जीवन के लिए मेरी रक्षा करता रहे। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र युक्रिस्त संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं। क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। एक कुंवारी गर्भवती होगी और एक पुत्र प्रसव करेगी जिसका नाम इम्मानुएल रखा जाएगा। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, इस संस्कार के प्रभाव से हमारे हृदय में यह विश्वास सुदृढ़ कर दे कि कुंवारी मरियम से जन्मे तेरे पुत्र यीशु क्राइस्त यथार्थ ईश्वर और यथार्थ मनुष्य है। उनके पुनरुत्थान के मुक्तिदायी सामर्थ्य से हम अनंत सुख का सौभाग्य प्राप्त करें। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु क्राइस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। आशीर्वाद तुम्हें प्रदान
करे ईश्वर सर्वशक्तिमान। पिता पुत्र और पावन आत्मा। जाइए क्रिस्त यज्ञ हुआ संपन्न, ईश्वर को दर्शन दो माँ।